भारत के अतीत को याद किया जाए तो मुगल शासकों को लगभग 49 साल तक भारत पर शासन रहा। इस दौरान औरंगजेब ऐसे शासक बना जिसने मुगलकालीन भारत में लंबे समय तक शासन किया। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य की पढ़ाई की और हस्तलिपि विद्या में महारत हासिल की। बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। अब बताते हैं औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू के प्रति उसका व्यवहार कैसा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल वंश के छठे बादशाह औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो हिंदुओं के प्रति औरंगजेब का व्यवहार और कट्टरता को दर्शाते हैं। चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं के प्रति फैलाए गए नफरत और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति में मुगल वंश के छठे बादशाह कितना सफल रहा था। बता दें कि एक बार कई हिंदुओं के साथ औरंगजेब बंगाल जा रहे थे। उस दौरान काफिला जब बनारस पहुंचा तो हिंदू राजाओं ने वहीं पड़ाव डालने की गुजारिश की ताकि रानियां गंगा में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर लें। ठीक वैसा ही हुआ। काफिला सारनाथ के पास रुका। सभी रानियां नहाने गईं और पूजा पाठ करके वापस आ गईं। मगर कच्छ की महारानी वापस नहीं आईं। बहुत खोजबीन के बाद महारानी मंदिर के तहखाने में रोती हुई मिली। इस घटना से जब सभी राजा नाराज हुए तभी औरंगजेब ने कहा कि जहां ऐसा घिनौना अपराध हुआ हो वहां भगवान की पूजा कैसे की जा सकती है। उस वक्त औरंगजेब ने मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। वहीं मंदिर गिराने और भगवान विश्वनाथ के विग्रह को दूसरी जगह स्थापित करने का हुक्म भी सुना दिया। दरअसल मुगल वंश के छठे बादशाह का जीवन इतनी उथल पुथल से भरा था कि ऐसे तमाम किस्सों की गुंजाइश उसमें निकल सकती है। लेकिन इतिहास या तो बताता ही है कि उसके राज में कई मंदिर तोड़े गए और कई मंदिरों को दान भी किया गया। औरंगजेब द्वारा 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर भी गिरा दिया गया था। वहां से मूर्तियां आगरा लाई गईं और बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गईं। उत्तर से दक्षिण तक औरंगजेब के राज में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। पढ़रपुर में विठोबा के मंदिर पर हमले से लेकर वसंतगढ़ में मंदिर गिराकर अपने हाथों से मस्जिद की नींव रखने तक उसके नाम पर तमाम वाक्य दर्ज हैं। मसीहे आलमगिरी कहती हैं कि बादशाह जब चित्तौड़ गया तो वहां उसके हुक्म से 63 मंदिर नष्ट किए गए। प्रोफेसर इंटर्न कहते हैं कि इस तरह बढ़ा चढ़ाकर गिनती इसलिए भी बताई गई होगी ताकि दरबारी लोग बादशाह से इनाम और इकराम हासिल कर सकें। बहरहाल काशी विश्वनाथ मंदिर या मथुरा मंदिर और औरंगजेब के रिश्ते को लेकर चाहे जो भी कहा जाए इसमें कोई दो राय नहीं है कि तख्त के लिए दारा शिकोह से तनातनी के दौर में ही औरंगजेब ने कट्टर तेवर अपना लिए थे। ये बात अलग है कि राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह जैसे कई हिंदू राजाओं ने तब दारा के बजाय औरंगजेब का साथ दिया था। बादशाह हासिल करने के बाद भी दारा शिकोह का भूत औरंगजेब का पीछा करता रहा। खुद को मजहब का पाबंद दिखाने के लिए उसने टोपियां सिलकर उसके पैसे से निजी खर्च चलाने का फैसला किया। यही नहीं गीत संगीत भी उसे नगवार था। दशहरा दिवाली ही नहीं ईद जैसे त्योहारों पर भी तड़क भड़क दिखाने पर उसने रोक लगा दी थी। ऐसी हरकतें उसने की मुसलमानों के बीच अपनी साख बनाने के लिए क्योंकि बूढ़े शाहजहां को कैद करना लोगों को गले नहीं उतर रहा था। हाल यह था कि ईरान और मक्का के मुस्लिम समुदाय ने कुछ समय तक औरंगजेब की बादशाहत को मान्यता नहीं दी थी। ऐसे में हो सकता है कि मुसलमानों की नजर में चढ़ने के लिए उसने मंदिर को निशाना बनाया। भारतीय मध्यकालीन इतिहास पर किताब लिखने वाले एरिजोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड मैक्सवेल इंटर्न कहते हैं औरंगजेब ने उन्हीं मंदिरों को टारगेट किया जो उसके विरोध राजाओं से जुड़े थे। मंदिरों को इसलिए भी निशाना बनाया गया क्योंकि उस दौर में वो अपने राजाओं की बड़ी हैसियत के प्रतीक भी थे। इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्रा की राय सुन लें। उन्होंने लिखा है वो ऐसा पॉलिटिशियन था जिसे देश और समाज की मुश्किलों की समझ नहीं थी। ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए वह मजहबी शोशेबाजी करता रहता था। इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा किस्सा आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।